तो दोस्तों तीसरा टेस्ट मुकाबला जो कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अहमदाबाद की पिच को देखकर भारतीय टीम में जबरदस्त तरीके से बदलाव कर दिया है और चौथे टेस्ट मुकाबले में कंगारुओं को धूल चटाने के लिए खूंखार और खतरनाक भारतीय प्लेइंग 11 टीम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अब तक के खेले गए तीनों टेस्ट मुकाबले में खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बाहर किए गए खिलाड़ियों के बदले ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है जो अकेले ही अपने दम पर अहमदाबाद टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टीम से लोहा ले सकते हैं और अहमदाबाद टेस्ट जीतकर टीम इंडिया को सीधा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा सकते हैं। तो आखिरकार इंदौर टेस्ट में हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने किन अनफॉर्म खिलाड़ियों को बाहर कर खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है, इसके साथ ही चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 टीम क्या रहने वाली, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों इंदौर टेस्ट में मिली हार के बाद पूरी भारतीय टीम टेंशन में आ चुकी है, साथ ही साथ कप्तान रोहित शर्मा का भी भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन को देख गुस्से में आना लाजमी बना हुआ है, क्योंकि गुस्सा उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वे अजीबोगरीब मुंह का फेस बनाते हुए दिखाई दिए थे। और अब WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को चौथे टेस्ट को हर हाल में जीतना होगा, यानी कि अहमदाबाद टेस्ट भारत के लिए करो या मरो का मैच होने वाला है, वरना एक बार फिर से वर्षों बाद भारतीय टीम का WTC को जीतने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। आपको बता दें कि WTC के फाइनल तक पहुंचने के मुकाम के लिए भारतीय टीम ने कड़ा संघर्ष किया है और पुराने रिकॉर्ड की बात की जाए तो इससे पहले भी भारतीय टीम WTC के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन न्यूजीलैंड के हाथों हमें शिकस्त झेलनी पड़ी थी और कप्तान विराट का सपना चकनाचूर हो गया था। लेकिन अब कप्तान रोहित शर्मा के पास WTC का खिताब जीतने का मौका है, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम को अहमदाबाद टेस्ट को हर हाल में जीतना होगा, यानी कि अहमदाबाद में होने वाले चौथे टेस्ट मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बार फिर से जबरदस्त रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा ने MS धोनी के सलाह पर भारतीय ब्रिगेड खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार कर ली है जो कंगारुओं को आसानी से कुचल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला 9 से 13 मार्च तक खेला जाने वाला है, क्योंकि मुकाबला मोदी जी के गृह नगर अहमदाबाद में होने वाला है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचकर हमारी भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनोज भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले अंतिम और निर्णायक मुकाबले में साक्षी बनने वाले हैं और दोनों ही प्रधानमंत्री अपने अपने देश का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए आपको दोस्तों बता दें कि आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए किन किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है और किन किन अनफॉर्म खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के मेंटर और पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की सलाह पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, और तो और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को देखकर कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग जोड़ी के रूप में कोई भी बदलाव नहीं किया है और रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि शुभमन गिल के साथ वे ओपनिंग करते हुए अहमदाबाद में नजर आएंगे, यानी कि भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत देने के लिए गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी एक बार फिर से क्रीज पर नजर आने वाली है। कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाली है। खैर आपको बता दें कि इंदौर टेस्ट में शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा शुभमन गिल की बल्लेबाजी को अच्छे से जानते हैं और तो और मेंटर MS धोनी ने भी रोहित के साथ शुभमन गिल को ही भारतीय पारी की शुरुआत करने की सलाह दी है। एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि हमने चौथे टेस्ट को लेकर धोनी के साथ काफी वार्तालाप की है। धोनी भी यही चाहते हैं कि चौथा टेस्ट मुकाबला जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, KL राहुल को आराम दिया जाए, क्योंकि राहुल पिछले कुछ मैचों से पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और अहमदाबाद टेस्ट हमारे लिए करो या मरो का मुकाबला होने वाला है। इसके साथ ही राहुल को पिछले कई मुकाबले में खेलने का मौका दिया गया, लेकिन वे सिलेक्टर्स की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे, क्योंकि अब हमें जीतकर सीधा WTC के फाइनल में पहुंचना है, यानी क्लियर है कि ओपनिंग जोड़ी के रूप में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक बार फिर से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। वही दोस्तों अगर तीसरे नंबर की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि पुजारा टीम इंडिया की दीवार है और एक बार क्रीज पर टिक जाने के बाद गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं उन्हें आउट करने के लिए। और तो और इंदौर टेस्ट की दूसरी पारी में पुजारा ने 59 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी और इस पारी के दौरान उन्हें फिर से कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वे अहमदाबाद टेस्ट में एक लंबी पारी खेल सकते हैं। इंदौर टेस्ट में पुजारा ने 59 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी, हालांकि दूसरे छोर से पुजारा को किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला था, जिसके कारण हमें ऑस्ट्रेलिया से 9 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन अहमदाबाद टेस्ट में हमने पुजारा से एक बड़ी पारी की उम्मीद जरूर है, यानी कि तीसरे नंबर पर हमें चेतेश्वर पुजारा खेलते हुए नजर आने वाले हैं और हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपना 125वां टेस्ट मुकाबला खेला है। इसके बाद चौथे नंबर पर भारतीय टीम की रन मशीन यानी कि विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोहली का बल्ला अब तक पूरी सीरीज में खामोश रहा है, लेकिन अहमदाबाद टेस्ट में उनसे शतक की दरकार होगी और शतक लगाकर आलोचकों का मुंह बंद करने की जरूरत होगी। और इतिहास गवाह है कि कोहली हर बार भारत को करो या मरो के मुकाबले में भारतीय टीम की डुबती नैया को पार लगाने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से विराट से अहमदाबाद टेस्ट में एक बड़ी इनिंग खेलने की दरखास्त होगी। और तो और अहमदाबाद टेस्ट में शतक जड़कर पिछले 41 मैचों में शतकों के सूखे को खत्म करने की जरूरत होगी, यानी कि क्लियर है कि चौथे नंबर पर अहमदाबाद टेस्ट में विराट कोहली खेलते हुए नजर आने वाले। इसके बाद
बाद पांचवें नंबर पर श्रेयस अय्यर के बदले भारत के मिस्टर 360 डिग्री यानी कि अपने सूर्या भाव को टीम में शामिल किया गया। श्रेयस अय्यर अब तक की पूरी सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो चुके, उनका बल्ला रन बनाना ही भूल चुका है। ऐसे में अहमदाबाद की पिच को देखते हुए मेंटर धोनी ने कप्तान रोहित शर्मा को सलाह दी है कि सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया जाए। और ये बात रोहित शर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और इतिहास गवाह है कि सूर्य जब एक बार चमकते हैं तो चारों दिशाओं में रोशनी ही रोशनी होती है और गेंदबाज उनके सामने अपनी